हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुलराम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैनिक वाणी में। दोस्तों बहुत बहुत सभी को धन्यवाद हमारा इतना साथ देने के लिए, और जल्दी से जल्दी बस हमारा जो मिशन है उसको जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में, और आज मैं लेकर आया हूं अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 103 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं होती है, प्रतिबाधा क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल और एक्ससी हम कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, बाकी वोल्टेज वी तथा धारा आई में क्या क्या अनुपात हमें देखने को मिलता है, जैसे कि बात करें समानकला में अग्रगामी और पश्चगामी। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है बहुत बेहतर आपको समझ में आ पा रहा होगा और आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आगे की बात स्टार्ट करते हैं, देखें जरा। जैसे अगर हम बात करें आज का टॉपिक है एसी का औसत मान, यानी कि हमको निकालनी है एवरेज वैल्यू, और एवरेज निकालने के लिए हमको जब भी हम किसी वस्तु का एवरेज निकालते हैं दोस्तों, तो उसका शुरुआती बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट और कहां पर वो अपनी बात को खत्म कर रहा है यानी फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट हमारे पास होने बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें एसी धारा की दोस्तों, तो मुझे एक बात का पता है क्या कि एसी जो चलता है वो कैसे चलता है, अपर हाफ और लोअर हाफ मिलकर चलता है, यानी इसको बोलते हैं अपर हाफ जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसको बोलते हैं लोअर हाफ। क्लियर है। जीरो से स्टार्ट होगा और आखिर में जहां पर रुकेगा वहां पर समय कितना होगा, टी। लेकिन अगर हम इस अर्धचक्र की बात करें तो अर्धचक्र में समय होता है टी बाय टू। अब देखो अपर हाफ के लिए अलग औसत वैल्यू निकालेंगे और लोअर हाफ के लिए अलग निकालेंगे, दोनों को उठा के एड कर देंगे। ठीक बात। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले एसी के, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप, एसी के अपर हाफ साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर, तो याद रखना इसको बोलते हैं आई एम, औसत वैल्यू मीन वैल्यू यानी, है ना। आई एम इक्वल टू क्या बन जाता है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो आई जो है हमारे पास इक्वेशन होती है उसका समाकलन कर देंगे, और समाकलन जो करेंगे वो टी से टी हाफ तक करेंगे। भाई अपर हाफ की अगर मैं बात करूं तो जीरो से स्टार्ट हुआ दोस्तों और टी हाफ तक गया, इतनी बात क्लियर है। तो लिमिट जीरो से टी हाफ तक लेंगे, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर होती है। क्या कहा मैंने फिर दोबारा सुनेंगे, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। और याद रखना ये समाकलन यानी इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर आपकी लोअर लिमिट जीरो हो तो अपर लिमिट जो आपने ली है वही अपर लिमिट आपकी यहां पर जरूर आनी है। अब देखेंगे जरा आई एम इक्वल टू इस दो को ऊपर ले जाए तो नीचे टी आ जाएगा, और यहां पर आई का फॉर्मूला खोलो, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी। क्लियर है इसकी बात। चलिए आई एम इक्वल टू अब यह आ जाएगा टू अपॉन टी, और आई नॉट जो जो कॉन्स्टेंट होगा ये बाहर आ जाएगा। अब हमको कैसे पता लगेगा भैया कि क्या कॉन्स्टेंट है और क्या कॉन्स्टेंट नहीं है, अरे मैं हूं ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता लगेगा कॉन्स्टेंट है या नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे होंगे जो बायोलॉजी से पढ़ करके आ रहे होंगे, जिन्होंने बायोलॉजी ली होगी, जिनको मैं अपनी भाषा में जीव प्राणी कहता हूं, तो उन सभी जीव प्राणी के लिए मैं यहां पर एक बात, छोटी सी बात, छोटी मगर मोटी बात बताना चाहता हूं। देखे छोटी बात की अगर मैं बात करूं, देखो बात यह है कि ये जो सबसे आखिर में बैठा है ना दद्दू, ये जो सबसे आखिर में बैठा है इसका ही सारा गेम रचा हुआ है। डी के साथ में जो भी आपका पॉइंट रहेगा, जैसे यहां पर टी है टाइम, तो टाइम से रिलेटेड जितनी भी राशि होंगी वो अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर। आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा बोलो, जीरो टू टी हाफ, और अंदर रहेगा कौन, साइन ओमेगा टी और डी टी का जुगल, तो ऐसा कैसे आ जाएगा। अब आई एम इक्वल टू देखो जरा इसको कैसे करते हैं भाई, टू आई नॉट अपॉन टी ऐसे ही रहेगा। अब आ जाते हैं साइन थीटा का, याद रखना अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है माइनस कोस थीटा। क्लियर है। और देखो साइन थीटा का ये हो गया, अब एंगल के साथ में टी के साथ में ओमेगा भी है, तो एंगल के साथ में जो भी राशि होती है वो आ जाती है नीचे और लिमिट हो जाएगी जीरो से टी बाय। क्लियर है इतनी बात। चलिए दरअसल क्या है बच्चों की ये बराबर में गली है, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं ना तो कोई ना कोई जरूर स्टार्टिंग में आ जाता है,
ठीक है, इसलिए मैं ज्यादातर वीडियो मॉर्निंग के टाइम में जो है रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे कि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए और तुमको वॉइस की प्रॉब्लम ज्यादा ना आ पाए, मेरी आवाज एकदम क्लियर आप तक पहुंच पाए, है ना। क्योंकि वॉइस में अगर दिक्कत रहती है तो आपको भी देखने में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बना रहेगा, तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि आवाज कम आए, है ना। चलिए देखते हैं आगे। 2i0 upon t, ये ओमेगा कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर पूछा दो भैया, ये माइनस भी बाहर दे दिया आपने। अब देखें आगे क्या बचेगा, अब देखो इसको कैसे करते हैं। ओमेगा टी की जगह पर कैपिटल टी बाय टू भरो माइनस, अब टी की जगह पर जब जीरो रखोगे तो सारा जीरो डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। पहले अपर लिमिट भरेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट भर देंगे। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे आप। आई एम इक्वल टू, अगर मैं बात करूं यहां से आगे माइनस के टू आई नॉट अपॉन, अब देखो ये ओमेगा लिखा हुआ है, और अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/T। क्लियर है। अब देखें यहां से ओमेगा इक्वल टू, अब यहां पर क्या आ रहा है साथ में, जहां जहां पर ओमेगा आया हुआ है तो दोस्तों वहां पर क्या बंद कर देंगे, 2π/T। तो यहां पर हम लिखेंगे 2π/T इंटू टी बाय टू माइनस कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो जी आई एम इक्वल टू कितना बनेगा, टी से टी गया, 2 से 2 गया, माइनस का आई नॉट अपॉन पाई आ गया। यहां तक की बात क्लियर है जी। अब देखो जरा, देखो वीडियोस जैसे भी लगे आपको दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो, हमारे थोड़े से हमारा जो प्रोत्साहन है ना, जो मोटिवेशन है वो आपका शेयर और आपका जो आप कमेंट करते हैं वो ही है। तो आपको हमारी वीडियोस काफी मेहनत हम कर चुके हैं और बहुत सारी मेहनत करनी अभी बाकी है, तो कमेंट जरूर करें। देखिए यार, अब देखो टी से टी गया, पाई से पाई, 2 से 2 गया, क्या बचा, कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1। अब देखिए यार आई एम इक्वल टू यहां से कितना आएगा, आई नॉट अपॉन पाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस यहां से देखो जरा प्लस यहां से, हाँ देखो जरा यहां से कितनी वैल्यू निकल के आएगी, माइनस माइनस 2 और 2 आ जाएगा आगे, और यही बन जाएगा आपका क्या, अपर हाफ साइकिल के लिए धारा का औसत मान। अगर मैं बात करूं यहां पर देखना जरा, अब लोअर हाफ साइकिल के लिए देखेंगे धारा का औसत मान, इसको ऐसे लिख लेंगे इसी प्रकार। देखो अब हमने अपर हाफ के लिए तो कर दिया सारा, अब लोअर हाफ के लिए इसी प्रकार कर देंगे, बस इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू लग देंगे। बस याद रखना ये ऊपर था तो प्लस रहा और ये नीचे था तो माइनस, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं आपसे पूछू कुल औसत मान कितना आ जाएगा, तो देखना जरा I इक्वल टू कितना बने, जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में मैंने क्या कहा था, जब भी आप औसत निकालेंगे दोस्तों तो जहां से आपने शुरुआत की है अपर हाफ से और जहां पर आपने एंड किया, दोनों को उठा के इनका गठबंधन करा दो। अगर जब दोनों का दोनों प्रॉपर्टी को आप उठा के जोड़ देंगे तो एक प्लस की और एक माइनस की जुड़ के क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो यहां पर I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और इसको लिख देंगे AV, AV का मतलब एवरेज, यानी याद रखना कि प्रत्यावर्ती धारा AC धारा अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है, इतनी बात याद रहेगी। तो आज का जो क्वेश्चन था हमारा यही था। अब न्यूमेरिकल में याद रखना, अगर औसत पूछा जाए तो 0 रहेगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में कई बार न्यूमेरिकल ऐसा मिलेगा आप पोर्शन में मिला के वो अर्धचक्र में आपसे बात करेगा, तो अर्धचक्र के लिए याद रखना लिमिट जो होती है वो 0 से टी बाय 2 होती है। दूसरी बात, अर्धचक्र में औसत क्या होता है याद रखना, आई एम बराबर 2i0 upon pi, ऐसी वी भी बन जाएगा। इसी प्रकार से याद रखना VM इक्वल टू, इसको लिख देता हूं यहां पर अर्धचक्र के लिए, इसको नोट डाल लेंगे आप, अर्धचक्र में VM बराबर 2v0 upon pi। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे यही फॉर्मूला होता है कि VM इक्वल टू 2v0 upon pi। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है आपको क्लास हमारी अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी लिखना बिल्कुल ना भूले।
जय हिंद दोस्तों।